नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान न्यूज 11। आज हम मौजूद हैं अजीतगढ़ क्षेत्र में, जहां पर त्रिवेणी धाम से श्री श्याम मंदिर मुंडू के लिए 10वीं विशाल निशान यात्रा के साथ हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए, जो अजीतगढ़ क्षेत्र से गुजर रहे हैं मुंडू के लिए। नाचते गाते बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए पहुँच रहे हैं बाबा के दरबार। साल से रेगुलर चलती आ रही है मुंडू वाले श्याम बाबा की पदयात्रा है। मुंडू से सारे यात्री त्रिवेणी धाम बाबा जी के यहाँ जाते हैं और बाबा जी वहाँ पर पूजन करा करके बाबा श्याम को वहाँ से बिता करते हैं। पदयात्रा ये कितने किलोमीटर की यात्रा होती है? 30 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें कितनी संख्या में श्रद्धालु? हजारों लोग होते हैं। त्रिवेणी धाम से अजय तारा जी में नाश्ते की व्यवस्था होती है, उसके बाद में अजय जी में भोजन प्रसादी का कार्यक्रम होता है जो यहीं के स्थानीय लोग करते हैं, और उसके बाद में विद्वान जो आश्रम है वहाँ पर व्यवस्था होती है भगवान की। उसके बाद में ऐसे सारे स्कूल में व्यवस्था होती है भगवान की नाश्ते की। उसके बाद में सदा सरपंच की तरफ से होती है व्यवस्था, लगभग शाम को 7 बजे या बजे आपका। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।